हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और मैं कृष्णा फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग टाइम से। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6:30। मौसम है कुछ इस तरह से आज। और यहाँ पे मैं गाय को नहलाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि पानी सुबह सुबह ही आता है, उसके बाद फिर पानी चला जाता है, तो मॉर्निंग में ही ये बेस्ट रह जाता है। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं गाय नहला रही थी और चेतन आया था खेत से, ये परे कुछ कुटाई कर रहा था और मैं गाय नहला रही थी यहाँ पर। तो ये पहले मैं दो ही बस माँ बेटी इनको ही नहला रही थी। और फ्रेंड्स, आज मौसम की शुरुआत ही कुछ गड़बड़ सी हुई थी, बादल ही बादल थे पहले तो, ये देखिए। और यहाँ पे मैं गाय को भी नहला रही हूँ, क्योंकि हम तो जैसे हम साफ़ रहते हैं उसी तरह से पशुओं को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इनके पड़ जाते हैं, जिनको हमारी भाषा में बोलते हैं चीड़न, और इनके भी चमड़ी में खारिश होने लगती है। तो जितने ये साफ़ रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। पर पशुओं की ना बहुत ही गंदी आदत होती है, जब भी देखो ये गोबर पे ही जा कर के बैठते हैं। और ख़ासकर जो जर्सी गाय होती है वो तो ज़्यादातर गोबर पे ही बैठती हैं जाके, उन्हें साफ़ जगह पे बैठना पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने इसको नहला दिया और अब मैं उसके बाद चल पड़ी थी घास लेने के लिए। और जहाँ पे मैं जा रही थी घास लेने के लिए फ्रेंड्स, वहाँ पे व्यू था कुछ इस तरह का। ये देखिए, बरसात का मौसम हो गया है शुरू, मानसून, तो चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली दिखती है आजकल। और ये देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। इतना प्यारा लग रहा था ना ये सुबह सुबह, ऐसे लग रहा था मानो कि हरे घास के ऊपर किसी ने सोना रख दिया हो, तो ऐसे ये चमक रहा था। और यहाँ पे नेचुरल पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो उसको मैंने म्यूट नहीं किया था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है पक्षियों की आवाज़ें सुबह सुबह, चहचहाट पक्षियों की। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों ने बीज की रखी है खेत में मक्की। और ये मेरे घर की दूसरी साइड का व्यू है, जहाँ पे दूरी पर खेत है, जहाँ पे मैंने फेंका था गोबर, वहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये उस साइड का व्यू है। और ये है रास्ता। तो अब मैं पहुंच गई थी अपने खेत पे, जहाँ पे हमने बीजी है मक्की और ये बाद में बीजी है। तो यहाँ पे अभी छोटी छोटी ही मक्की हैं और ऊपर साइड में लोगों का ये ग्रीन हाउस है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल भी बताया था आपको कि राजमा तो हम बोते ही बोते हैं मक्की में साथ में, क्योंकि ये इसलिए नहीं बोए जाते हैं कि ये मक्की के साथ में खड़े हो जाए अपने आप ही, ये इसलिए बोए जाते हैं राजमा मक्की के साथ में, क्योंकि इनके बीच में कि जो जड़ें होती हैं राजमा की, जो जड़ें होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रासायनिक तत्व होते हैं, जो हमारी मक्की की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए हम राजमा को खेतों में बीजते हैं मक्की के साथ में। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स, अगर हम ना ये जो राजमा के पौधे हैं इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नीचे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र जैसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, देखना कभी इसका पौधा उखाड़ के, तो वो बहुत ही ज़्यादा रासायनिक होती है उनमें। और कहते हैं कि अगर कहते क्या है हमें पता भी है, अगर हम ना इनके ऊपर खाद दे दी जाए रासायनिक, तो ये मर जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रासायनिक तत्व होते हैं राजमा की जड़ों में। तो बस हो जाता है ना एक काम से डबल। और ये है साथ में हमारे ग्राम देवता का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था सुबह सुबह, ये देखिए। और यहाँ पे सभी सुबह पूजा करने जाते हैं।
और ये है हमारा पूरा खेत। मैं अकेली नहीं थी, साथ में मैंने और भी अपने साथ में लाए थे। तो और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एकदम से मौसम इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, हे भगवान। दिन में ही तारे लग रहे थे और तूफान ने तो बहुत ही तबाही कर दी। ये देखिए पूरा है ना दिन में ही अंधेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इससे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चेतन और वंशु बाहर थे और मैं घर आ गई। ना तो मैं उनको लाने लायक रही और ना ही मैं घर से बाहर निकलने के लायक। मैंने थोड़ा सा सूट किया था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खतरनाक था ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा तूफान चल रही थी, बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। देखिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी मक्की के लिए, तो देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स बस मैं यहाँ पे ही वीडियो का कर रही हूँ आज, एंड मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक भी कर दिया।